महानगर के वार्ड नंबर 64 चकसा हुसैन में जल जमाव की शिकायत पर गुरुवार को जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मोहल्ले के नूरी मस्जिद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय निवासियों से समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि पूरे रमजान माह के दौरान मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी, जल जमाव की समस्या का निदान कराया जाएगा। उन्होंने वहां के निवासियों से सहयोग की अपील भी की है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मोहल्ले में नियमित रूप से साफ सफाई कराते रहें, कूड़े का नियमित उठान कराएं तथा चूने आदि छिड़काव कराते रहें। बीच बीच में अधिकारी स्वयं साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण भी करें, जिससे वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था कायम रहे। मेन मकसद दे दो 400 स्क्वायर फीट जमीन दे दो और 400 अगर आपका 2000 जमीन स्क्वायर फीट बन जाती है तो बेहतर है ना। पहले उसमें जगह से पास ही जाता था, वो कटवा दिया था, पानी कहीं नहीं जा रहा था, तो पूरा घूम के देखे इधर ही घूम रही है आपका पानी। बेटा सुनो, आपका जमीन कितनी है? पूरा जमीन नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी दे दो, छोटी सी दे दो, आप दोगुना जमीन दोगुना लागत दे देते। उसके बाद पंपिंग करा करके नाला बना के लेके जाएंगे ना। नाला तो बना सर, वो काबू नहीं है, वो नाली बहुत छोटा, पानी जाता है तो रोड में फैल जाता है। देखिए वो तो हमारा जिम्मेदारी है, वो हमारा जिम्मेदारी है। वो नहीं सकते, कोई है नहीं, हमने पूरा घूम के आया गोरखनाथ की। चलो गोरखनाथ का दिया उधर, तो यार और ऊंची है भाई, कैसे जाएगा पानी? ये तो पूरा डाल इस तरफ से है सर। एक कहाँ पानी बंद करें, कैसे बंद करें? बात दिया कि पानी नहीं आने दे, अब सवाल पैदा होता है बंद किया, इन्होंने ये सब पैक कर दिया है। यहाँ पहले जो पानी चल रहा था, और एक मिनी स्टेडियम सर, कल सीएम साहब से सुबह बात हुई सर, इसके लिए वो रोड का ऊपर दो जमीन का सर, एक्चुअली सर जंगल कोरिया ब्लॉक के